दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। HSSC ने ग्रुप टी का रिजल्ट जारी कर दिया है देर रात। आप सब ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, स्कोर कार्ड, और अगर नहीं देखा है तो आप सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी CET का स्कोर जारी कर दिया। लगभग 410,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। अब ग्रुप डी भर्ती जल्द सिरे चढ़ेगी, ऐसा CM का कहना है। अब यहाँ से हम लोग जैसा थंबनेल में आपने देखा, कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी, इस बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी के लगभग 14,500 पदों पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया होगी। 14,500 में से अभी जो है 13,657 पदों में से 5,875 पद अनारक्षित के लिए, 2730 पद जो हैं अनुसूचित जाति, 2183 जो हैं वो BCA, 1504 BCB और 1368 EWS कैटेगरी के हैं। और टोटल अब जो भर्ती है कभी भी इसलिए ग्रुप डी के लगभग 14,500 पदों पर भर्ती कभी भी हो सकती है। ये CET स्कोर प्रोविजनल है, अगले 3 साल तक के लिए वैलिड है, ऐसा आप सबने स्कोर कार्ड में भी देखा होगा और जो HSSC ने नोटिस जारी करा उसमें भी आपने देखा होगा। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं। 410,000 उम्मीदवार ग्रुप टी CET में पास हुए, इनमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 260,000 हैं जिन्होंने न्यूनतम 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जबकि आरक्षित श्रेणी जो रिजर्व कैटेगरी, टोटल सभी रिजर्व कैटेगरी के 1.5 लाख उम्मीदवार जो हैं इसमें पास हुए हैं जिन्होंने न्यूनतम 40% अंक जो हैं प्राप्त करे हैं। टोटल 13,84,012 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था अपना। 21 और 22 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें 855,221 बच्चों ने पेपर दिया था, और टोटल जो पास हुए हैं वो 410,000 हैं जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो यहाँ से लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें। एक ये न्यूज आई हुई है आज ही दैनिक भास्कर में, 7 दिनों के लिए खुलेगा पोर्टल, विभाग और पद की इच्छा पूरी पूछी जाएगी। NTA द्वारा ग्रुप डी भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर करीब 13,500 पद जो बढ़कर 14,500 करीबन हो गए हैं, इसके लिए 3 गुना यानी लगभग 40,000 से अधिक युवाओं से पूछा जाएगा कि वे किस विभाग में कौन सा पद चाहते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस संदर्भ में विभागों के रिक्त पदों की एडवर्टाइजमेंट की जाएगी और मुख्य सचिव की ओर से पहले ही सभी विभागों को पत्र लिखकर खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। 7 दिन के लिए जो है ये पोर्टल खोला जाएगा। टोटल जो है वो 40,000 से अधिक, मतलब 3 गुना के करीबन जो बच्चे हैं उनसे प्रेफरेंस यहाँ पे मांगी जाएगी डिपार्टमेंट की। सामाजिक आर्थिक के जो 5 अंक, सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 अंक, उनकी डिटेल जाँच के 5 दिन पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो भेज दिए गए थे, और इन अभी आप सबको पता है कि हाईकोर्ट ने इन पर बैन कर दिया, जैसा HSSC ने अपने नोटिस में भी लिखा है, तो फाइनल आउटकम पर ही वो निर्भर रहेंगे 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के जो हैं। तो आप सब अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। 410,000 टोटल बच्चे पास हुए हैं, 14,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने की उम्मीद है। 7 दिनों तक प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। कितने बच्चों से प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, तो लगभग 40,000 बच्चे इसमें प्रेफरेंस भरेंगे अपनी, 3 गुना के करीबन कैंडिडेट। टोटल 410,000 बच्चे इसमें पास हुए हैं जिनमें से जो हैं 260,000 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जबकि 150,000 जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट यहाँ पे बताए गए हैं। जल्द ही कैटेगरी वाइज भी, कंप्लीट कैटेगरी वाइज भी SC BCA BCB EWS के कितने बच्चे पास हुए ये न्यूज़ भी आ जाएगी, तो इसके डिटेल को भी लोयल क्लासेस हरियाणा टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।